सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। मैं आपका दीपू सा स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीपू ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मैं हूँ गैंगटॉक सिक्किम में एंड इस खूबसूरत से व्यू पॉइंट में बैठ के फिर से एक अपडेट वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। जो भी लोग अक्टूबर या नवंबर के टाइम में सिक्किम विजिट करना चाहते हैं, बहुत ही क्यूरियस है कि कौन कौन से जगह इस टाइम में खुले रहेंगे, कौन कौन से जगह सेफ़ है, कहाँ कहाँ हम विज़िट कर सकते हैं या फिर कैसा टूर पैकेज लेना अच्छा रहेगा, ये सारे चीज़ इस वीडियो में आपको मिल जाए। लास्ट वीडियो में भी बहुत सारे अपडेट्स मैंने दिया है, तो अगर अभी तक वो आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को जाके। तो इस वीडियो में जो है फिर से मेजर अपडेट्स रहेंगे कुछ, जो कि अभी अक्टूबर 18th के बाद में ट्रैवल कर रहे जो भी लोग। तो आज है 18th ऑफ अक्टूबर 2023, तो दुर्गा पूजा बस आ ही गया, अब कुछ दिन है दुर्गा पूजा में। लेकिन दुर्गा पूजा से आगे आगे जो भी लोग प्लान कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो उनके लिए खुशखबरी है। एंड जिस चीज़ के लिए आप लोग रुके हुए थे वो जो है इस वीडियो में अपडेट रहेगा सारा। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि पहले इस वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक पूरा देख ले, उसके बाद जो है आप अपने कमेंट्स या मैसेजेस इंस्टाग्राम में करें, क्योंकि आप बिना देखे वीडियो को बिना देखे हुए सीधा कमेंट्स में या इंस्टाग्राम में पहुंच जाते हैं, तो उसमें जो है बहुत ही मतलब आपको भी समझ नहीं आता है क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। एंड इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर अगर आपका कुछ डाउट रह गया हो तो आप मुझे आके इंस्टाग्राम में पूछिए। चलिए, अब देरी ना करते हुए मैं आपको जो मेजर अपडेट्स के लिए आप रुके हुए थे, हमेशा की तरह रुके रहते हैं, वो दे देते हैं। सबसे पहला खुशखबरी, कल जो है कल जो दिन था 17th ऑफ अक्टूबर 2023, तो नाथुला पास छांगू लेक में पहला स्नोफॉल, सीज़न का फर्स्ट स्नोफॉल जो है वो जो है हो चुका है छांगू एंड नाथुला में। लाइट इंटेंसिटी से हुआ है लेकिन स्नोफॉल हो चुका है। इस बार बहुत जल्दी स्नोफॉल हो गया, जैसा मतलब अनुमान लग रहा था होगा, तो बहुत जल्दी हो गया। एंड अब आने वाले दिनों में भी मतलब लग रहा है कि होगा स्नोफॉल। एंड जो भी लोग अक्टूबर या नवंबर में मतलब प्लान कर रहे हैं, तो उनको जो है लग रहा है इस बार कि स्नोफॉल देखने को मिल जाएगा लाइव। तो इस ट्रक को चल जाने दीजिए। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि जो भी लोग नवंबर या अक्टूबर में आएंगे, तो मतलब बहुत चांस है इस बार कि आप लोगों को स्नोफॉल देखने को मिल जाएगा सिक्किम में। एंड स्पेशली नाथुला पास छांगू लेक या सिल्क रूट जो भी लोग प्लान कर रहे हैं, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि नाथुला पास जो है 17th ऑफ अक्टूबर यानी कि कल से, आज है 18th ऑफ अक्टूबर, तो कल से जो है नाथुला पास वगैरह खुल चुका है। तो कल का वीडियो आया था नाथुला पास एंड छांगू लेक का, जहाँ पर फर्स्ट स्नोफॉल हमको दिखा। एंड आने वाले दिनों में अभी मैं भी प्लान कर रहा हूँ, आज है 18 अक्टूबर, आज है वेनसडे, तो इस सैटरडे को प्लान करता हूँ मैं भी। बाइक तो यहाँ पे है नहीं, स्कूटी का परमिट अरेंज करने का कोशिश किया मैंने, लेकिन स्कूटी जो है दोस्तों अलाउड नहीं है, मतलब बंद हो चुका है अभी। जो स्कूटी को अलाउड नहीं करते हैं, परमिट नहीं देते स्कूटी का, एंड बाइक का ही देते हैं सिर्फ। तो बाइक तो मेरे यहाँ पे है नहीं, सिलीगुड़ी में ही है जो कि मेरा होम टाउन है। तो सोच रहा हूँ रेंट लेके मैं शनिवार के दिन जाऊँगा, ट्राई करूँगा कि मैं सैटरडे का दिन जा पाऊँ, क्योंकि दिन MG रोड में जो मेरा दुकान है, MG रोड में क्लोज डे रहता है सैटरडे को, तो उस दिन जो है दुकान बंद रहने के कारण फ्री रहता हूँ, तो उस दिन जो है जाने का ट्राई करता हूँ मैं। एंड अगर गया तो आपको ब्लॉग तो दिख ही जाएगा यूट्यूब में, एंड साथ ही साथ वहाँ का लाइव क्या मतलब अपडेट है वो भी मिल जाएगा। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ वो जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ज़रूर से। तो अभी यह है वेदर गैंगटॉक का, तो अभी थोड़ी देर पहले ही मतलब धूप था अच्छा सा, लेकिन अभी क्लाउडी सा हो चुका है। ये नीचे देख पा रहे हैं खूबसूरत से व्यू, एंड इस व्यू पॉइंट में बैठा हूँ, बस हमेशा यहीं आके बैठता हूँ, ज़्यादातर यहीं वीडियो बनाता हूँ मैं, क्योंकि ये थोड़ा पीसफुल जगह है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करना ऐसे पर्सनली भी मुझको अच्छा लगता है, तो यहाँ पे आके बैठता हूँ। सुकून है, आवाज़ है, देख रहे हैं नेचर का आवाज़ आ रहा होगा किर किर करके एक, एंड ये फ्लैग्स लगे हुए हैं, नीचे व्यू है मस्त। तो इस वाले मतलब ऐसे ये रोड का जो क्या बोलते हैं बाउंड्री प्रोटेक्शन, इसमें बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। एंड नीचे यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ है, खाई टाइप का है, तो व्यू जो है पूरा क्लियर आता है। ये देखिए, ये जो जगह है इसको टीवी टावर कहते हैं। यहाँ पे आगे जाएंगे तो गणेश टॉक मंदिर है, यहाँ मतलब ये पेड़ वगैरह के कारण दिख नहीं रहा है, गणेश टॉक मंदिर से भी पूरा व्यू दिखता है आपको, नीचे एकदम MG रोड वगैरह टोटल दिखेगा। वो नीचे जो देख रहे हैं वो MG रोड है वो सारा, एंड मोनेस्ट्रीज वगैरह है।
तो बहुत ही खूबसूरत जगह है गणेश टॉक। अगर आप आते हैं सिक्किम में आते हैं ना, जब साइट सीइंग करेंगे तो ये वाला जगह में आप आएंगे, एंड साइट सीइंग में ही आता है ये वाला जगह भी। तो गणेश टॉक मंदिर से थोड़ा आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये जो व्यू पॉइंट दिखेगा, तो यहाँ पे ज़रूर आके एक दो फोटोग्राफ्स लीजिए आप। ये तो हो गया हमारा इस सिक्किम का रिलेटेड जो भी था अपडेट। तो अब दूसरा अपडेट जो है वो है NH10 को लेके, तो कनेक्ट करता है सिलीगुड़ी को गैंगटोक से एंड कालिंपोंग से भी, एंड दार्जिलिंग का भी रास्ता है, तो तीनों जगह को कनेक्ट करते हैं। NH10 का भी अपडेट क्या है, NH10 का लेटेस्ट अपडेट ये आया है कि कल तक मतलब 19 या 20 तारीख तक जो है NH10 वन वे ट्रैफिक के लिए खुल जाना चाहिए। ये नहीं बोल रहे कि खुल जाएगा एकदम अपडेट, मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते खुल जाएगा, तो खुल जाना चाहिए वन वे ट्रैफिक के लिए। जब भी ये खुलेगा तो पहले वन वे ट्रैफिक खुलेगा, मतलब या तो सिर्फ अप ट्रैफिक खुलेगा या तो सिर्फ डाउन ट्रैफिक खुलेगा, ऐसा हो सकता है। क्योंकि अभी जो है जहाँ पे जो सेक्शन वगैरह वॉश आउट हो चुके थे तो वो अभी रिपेयर होके वहाँ पे बहुत ही सकरा रास्ता होगा जहाँ तक पता लग रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि वन वे ट्रैफिक खुल जाए। एंड वन वे ट्रैफिक भी खुल गया तो बहुत ही मदद होगा। तो भी हो जैसा भी हो, यही आशा करते हैं कि जल्दी से NH10 भी खुल जाए, ताकि जो भी लोग सिलीगुड़ी से गैंगटॉक ट्रैवल करना चाहते हैं उनको इतना लंबा सफ़र ना करना पड़े, डाइवर्जन ना लेना पड़े गुरुवथान से, एंड डायरेक्ट आप गैंगटॉक पहुँच सके 4 घंटे में। लेकिन फिर भी फिलहाल आप अगर मतलब ना भी खुले तो डाइवर्जन होकर बहुत सारे गाड़ियाँ आ रहे हैं वहाँ से, बहुत ही सेफ रूट है, बहुत ही अच्छा सीनिक रूट है, तो वहाँ से भी आप जो है गैंगटॉक की तरफ आ सकते हैं। अभी तक का जो अपडेट यही सब था, ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में बताने को। एंड अगर कुछ भी आपको पूछना है, कुछ भी बताना है, तो आप इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज़ स्पेसिफिक सवाल पूछिएगा, एंड जो मैंने वीडियो में ऑलरेडी बता दिया उसको मत रिपीट कीजिएगा, प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से। ये जो था सबसे मेन अपडेट यही था कि स्नोफॉल हो चुका है, एंड बहुत ही खुशी की बात है। स्नोफॉल होंगे तो लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो स्नो देखने के लिए आते हैं इन सब टाइम में, एंड स्नोफॉल इस बार सीज़न से पहले भी हो गया तो बहुत ही अच्छा बात है। ये था, ज़्यादा कुछ है नहीं, आशा करता हूँ ये छोटे से वीडियो में आपको सारा अपडेट दे पाया हूँ मैं। तो अगर कुछ भी रह गया हो तो आप इंस्टाग्राम में मुझे पूछ सकते हैं, एंड तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपको पता ही है क्या करना है, सबसे पहले दे दीजिए इस वीडियो को लाइक, चेक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ वो जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब जब मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइस सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन दिस इज दीपू साह साइनिंग ऑफ फ्रॉम दीपू ब्लॉग्स।